आज की सबसे बड़ी खबर, बीएसएनएल कंपनी ने अपने ग्राहकों को दिया झटका। जी हां, लगातार घाटे में चल रही पब्लिक सेक्टर की कंपनी बीएसएनएल ने अपने 5 करोड़ यूजर्स को झटका दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग सेवा को बंद कर दिया है। बीएसएनएल के 186, 429, 485, 666 और 1699 रुपए वाले प्रीपेड प्लान से अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग सेवा को बंद कर दिया गया है। इन प्लान्स में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग की जगह प्रतिदिन 250 मिनट की कॉलिंग का ही लाभ ले सकेंगे, यानी कि यूजर्स को एक दिन में केवल 4.5 घंटे तक ही फ्री कॉलिंग का लाभ मिल सकेगा। ऐसे में अन्य पब्लिक सेक्टर की कंपनियों जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया से मिल रही कड़ी चुनौती और बढ़ जाएगी। पिछले दिनों बीएसएनएल ने इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के टक्कर में कई तरह के आक्रामक प्लान्स पेश किए थे। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर की कंपनी ने अपने यूजर्स को ओटीटी सर्विस और एडिशनल डाटा का भी लाभ देना शुरू कर दिया था, लेकिन बीएसएनएल का ये नया कदम यूजर्स को निराश कर सकता है। बीएसएनएल के इन प्लान्स में यूजर्स को अब प्रतिदिन 250 मिनट के इस्तेमाल के बाद 1 पैसे प्रति मिनट की दर से चार्ज किया जाएगा। अगर कोई यूजर 250 मिनट के बाद कोई भी कॉल करेगा तो उसे इसके लिए चार्ज देना होगा। अगर अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा तो वे कॉल नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही हर रोज़ मिलने वाले ये 250 मिनट अगले दिन फॉरवर्ड नहीं होगा। आपको बता दें कि हाल ही में बीएसएनएल ने अभिनंदन 151 प्रीपेड प्लान में बदलाव किया था। इस प्लान में अब यूजर्स को 500 MB एडिशनल डाटा ऑफर किया जा रहा है। इस प्लान में अब यूजर्स को प्रतिदिन 1 GB की जगह 1.5 GB डाटा दिया जा रहा है। हालांकि इस प्लान की वैलिडिटी में कोई बदलाव नहीं किया गया। यूजर्स को अब भी पहले की तरह ही 24 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। खबरों के लिए बने रहिए द दस्तक 24 के साथ। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।